नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ शेख जोया। हाल ही में पूर्व डिप्टी सीएम और टोंक विधायक सचिन पायलट ने ईआरसीपी के एमओयू को सार्वजनिक करने को लेकर एक बयान दिया था, जिस पर अब राजस्थान सरकार के पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने पलटवार किया है। आगे बढ़ने से पहले सुन लीजिए सचिन पायलट ने क्या कहा था। सर, ईआरसीपी को लेकर आभार सभाएं निकाल रहे हैं पूरे राजस्थान को साधने के लिए। पहले वो एमओयू तो दिखा दो हमारे को, जो एमओयू साइन किया है, कितना पानी हमारे प्रदेश को मिलेगा, जितना हम लोग चाहते थे, जितना हमको वादा किया गया था, क्या उतना पानी सिंचाई के लिए, पीने के लिए, इंडस्ट्री को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी तक सिर्फ भाषण हो रहे हैं, धन्यवाद दिया जा रहा है, लेकिन जो हस्ताक्षर किए हैं उस दस्तावेज पे, सदन में पहली बार उस एमओयू पे चर्चा हो रही है, जिस एमओयू को सदन में रखा ही नहीं गया। हमें आज तक नहीं पता कि क्या बंटवारा किया गया है। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि वे एमओयू देखकर क्या करेंगे, वे हमारा काम देख ले, उन्हें सब समझ में आ जाएगा। फिर भी एमओयू को देखने की ललक है तो वे सीएम के पास चले जाएं, वहां उन्हें एमओयू भी दिखा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम लोग 90% काम किए जाने के बाद भी फूल मालाएं व पगड़ी नहीं पहनते, क्योंकि हम काम में विश्वास रखते हैं। आगे बढ़ने से पहले कन्हैयालाल चौधरी को सुन लीजिए। पानी ज़्यादा ले रहे हैं और ये सब रिजल्ट जब काम चालू हो गया, और कन्हैयालाल चौधरी तो वो है कि 90% काम होने के बाद में भी मैं अभी तक मैं पगड़ी नहीं बांध रहा हूँ। आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर जब हम शिलान्यास करेंगे, पगड़ी बांध के आपके बीच में आएंगे, तो पता लग जाएगा कि हम तो काम कर रहे हैं। हम क्या, हम काम कर रहे हैं। अब इनको जाना है तो जाके देखो, वहाँ पे सरकार में जाके देखो, या इनको किस जगह पे लाके, इनको तकलीफ है, एमओयू नहीं तो आ जाओ। जल्द शिलान्यास होगा, जब शिलान्यास भी होगा तो हमारे डीपीआर भी तेजी से बन रही है, इनको एमओयू देखना है तो राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री के पास जाके बैठो भाई, एमओयू बताओ, वहाँ बताएंगे इनको। 6 मार्च को टोंक में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में भाग लेने के बाद कैबिनेट मंत्री ने मीडिया से बातचीत की। पुलिस की कार्यशैली से खफा मंत्री ने एसपी संजीव नैन व कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा की मौजूदगी में यहाँ तक कह दिया कि पुलिस विभाग के अधिकारी अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर जाकर बजरी लीज धारा के इशारे पर सिर्फ बजरी की ट्रोलियां पकड़ने का काम कर रही है, जबकि यहां कार्रवाई खनिज विभाग को करनी चाहिए होती है, और पुलिस की भूमिका सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने की होती है। उन्होंने कहा कि पुलिस की नियम विरुद्ध कार्रवाई से गरीबों के पीएम आवास या तो अधूरे पड़े हैं या फिर वे काम शुरू करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। मंत्री चौधरी ने खनिज विभाग व परिवहन विभाग को निर्देश दिए कि वह पुलिस विभाग की मदद से बजरी ट्रैक्टरों को नहीं बल्कि ओवरलोड वाहनों को पकड़े। पीएचईडी मंत्री ने बजरी लीज धारा द्वारा सरकार की कार्रवाई के विरुद्ध स्टे को लेकर कहा कि हमारी सरकार कोशिश करेगी कि यह स्टे जल्द से जल्द खत्म हो। इस खबर पर आपकी क्या राय है कॉमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें ऐसी तमाम और खबरों के लिए द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।